नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम में और न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे, जो मंगल एरीज में जा रहा है, अपनी राशि में जा रहा है, वन नंबर में, तो उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम हर दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। मंगल इन एरीज, मंगल जो है एरीज में जा रहा है वन नंबर में, अपनी राशि में, इंडिया के 12th हाउस में। आज है 23rd of May 2024 थर्सडे, और ये वीडियो ठीक 6 दिन बाद अपलोड होगी 29th of May 2024 वेडनेसडे को। और हमेशा की तरह हम एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक बनाएंगे पार्ट वन में, और पार्ट टू में बाकी के 6 लग्न डिस्कस करेंगे और रेमिडीज भी बताएंगे। और ये इंडिया की प्लेनेटरी कुंडली है, 8 तक के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन। तो पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। फ्रॉम एरीज, मंगल आस्पेक्ट, एरीज से मंगल देखेगा अपने फोर्थ आस्पेक्ट से देखेगा कैंसर को, 4 नंबर को, इंडिया के 3rd हाउस को। 7th आस्पेक्ट से देखेगा लीब्रा को, इंडिया के 6th हाउस से। और 8th आस्पेक्ट से देखेगा स्कॉर्पियो को, इंडिया के 7th हाउस को। शनि विल आस्पेक्ट मंगल, शनि भी मंगल को देखेगा अपने 3rd आस्पेक्ट से। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के अच्छे दिन है, हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग, फार्मा, मेडिसिन वालों के दिन अच्छे शुरू हो गए। दोस्तों अब ये होगा दोस्तों मंगल ग्रह है दोस्तों, जो सबसे मतलब सबसे तेज प्लैनेट में से एक प्लैनेट है दोस्तों मूव करने में। तो यहाँ पर आप देखें 29 तारीख को दोस्तों वीडियो अपलोड होगी, यानी कि चुनाव के दोस्तों रिजल्ट से करीब हफ्ता भर पहले दोस्तों, उससे हफ्ते से भी कम का टाइम रह जाएगा। और दोस्तों जिस दिन ये चेंज होगा 1 जून को दोस्तों, मंगल का चेंज 1 जून का है, और दोस्तों 1 जून को ही आखिरी फेज है चुनाव का, 4 का दोस्तों रिजल्ट आपको मालूम है। तो इस मंगल का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा पूरे चुनावों के टाइम पे जो आखिरी फेज होने वाला है। और हमने कई दोस्तों वीडियोज बनाई है इसमें, हमारे उनकी जितनी हम लोगों ने वीडियोज बनाई है, देवेंद्र फडणवीस की बनाई हो, जब ठाकरे के नहीं, बाकी मोदी जी की वीडियो बना रखी हम लोगों ने, तो उसमें इस 1 तारीख को हमने ज्यादा फैक्टर किया हुआ, बिकॉज इसका अपना इम्पैक्ट रहने वाला है। और दोस्तों आपको मालूम है, जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में आता है, एरीज जो है मंगल की राशि है दोस्तों, एरीज भी मंगल की राशि है, स्कॉर्पियो भी मंगल की राशि है दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ज्यादा पावरफुल रिजल्ट होता है। दोस्तों नेगेटिव प्लैनेट हो या पॉजिटिव प्लैनेट हो, अपनी राशि में आकर उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। बिकॉज दोस्तों कोई भी इंसान यहाँ पर मर्जी हो, जितना मर्जी दुष्कर्म करता हो, जो मर्जी करता हो, बट अपने घर पे आके दोस्तों, अपनी फैमिली के बीच में आके वो अच्छे ही काम करेगा, अपने बच्चों के लिए अच्छा करेगा, अपनी वाइफ के लिए अच्छा करेगा, कभी अपने जो 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 भी बाहर दुष्कर्म करता हो अपने घर पे आके नहीं करेगा। दोस्तों उसी तरीके से ग्रह भी पूरे जोड़िया के मूवमेंट करते करते कहीं पर नेगेटिव होगा, कहीं पॉजिटिव होगा, बट अपने घर में आके दोस्तों, अपनी राशि में आके, अपनी फैमिली के बीच में आके उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरीके से मंगल, क्योंकि जोडियक का पहला साइन है एरीज, और उसमें मंगल भी यहाँ पे आके तो ये चीजों को बेहतर करके चलेगा, और ये चीजों को दोस्तों बहुत पॉजिटिव करके चलेगा। और जिनकी दोस्तों मंगल की राशि है, चाहे एरीज, चाहे वृश्चिक, चाहे लगन है दोस्तों जिनका, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ जाएगी, बिकॉज उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका लॉर्ड अपने ही साइन में आके उनके फिजिकल और मेंटल बॉडी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। दोस्तों जैसे पॉइंट्स प्रतिभा ने पढ़ दिया सारे, एरीज से मंगल के 4-3 एस्पेक्ट है दोस्तों, 4th, 7th, इनसे दोस्तों इन पे इसकी नजर रहेगी। कैंसर दोस्तों जो कि मंगल की नीच की राशि है, लिब्रा जो कि शुक्र की राशि है, स्कॉर्पियो जो कि अपनी ही राशि है, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो शनि देखिए 1, 2, 3, तो शनि भी अपनी राशि में पॉजिटिव है, तो मंगल भी अपनी राशि में पॉजिटिव है, यानी कि अपनी राशि में रहने वाला ग्रह दूसरी अपनी राशि को देख के दोस्तों पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। तो वैसे दोस्तों अमूमन होता है कि शनि और मंगल जब मिलते हैं आपस में दंगल करके देते हैं, बट थैंकफुली दोस्तों यहाँ पे मंगल अपने ही साइन के अंदर है, तो उस पर कोई इतना असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, शनि है ठंडा प्लैनेट, दोस्तों मंगल है गर्म प्लैनेट, जब ठंडा गर्म होता है दोस्तों जब आपस मिलते हैं, तो जिनकी कुंडली में शनि मंगल कॉम्बिनेशन है, मंगल या शनि की राशि में, शनि मंगल की राशि में, उनको थोड़ा चेस्ट कंजेशन या खांसी जुकाम के इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे रनिंग नोज दोस्तों उनको हो सकती है, बिकॉज ठंडा और दोस्तों जब गर्म मिलते हैं तो आपको कोल्ड कफ हो जाता है, आपकी छाती में, आपके लंग्स में दोस्तों बलगम जम जाती है, मुंह से बलगम निकलती है, खांसी जुकाम आती है। तो जिनको दोस्तों क्रॉनिक है ऑलरेडी खांसी जुकाम की इशूज है, जिनको ये क्रॉनिक लंग्स कंजेशन है, वो थोड़ा अपना ज्यादा ध्यान में रखें। दोस्तों दूसरी बात क्या है कि मंगल दोस्तों गर्म प्लैनेट, दोस्तों शनि ठंडा प्लैनेट, जब ये दोस्तों आपस में मिलेंगे शनि का इम्पैक्ट जाएगा दोस्तों, गर्मी दोस्तों बढ़ेगी बढ़ेगी, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था गर्मी दोस्तों बढ़ेगी बढ़ेगी, बट शनि मंगल दोस्तों जब मिलेंगे, यानी कि 1 तारीख से दोस्तों 1 जून को जब एक कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तक तो दोस्तों हीट वेव हमें परेशान करके चल रहा था, तो 13-14 तारीख आते आते जब सूर्य की भी मूवमेंट हो जाएगी दोस्तों मिथुन के अंदर, और दोस्तों बुध की मूवमेंट हो जाएगी, तो ये दो सब मिलकर आपस में ह्यूमिडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो बेयर करना दोस्तों भारी पड़ जाएगा। तो हीट वेव के बाद अब ह्यूमिडिटी दोस्तों आने वाली है हमें परेशान करने के लिए, तो दोस्तों शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन ह्यूमिडिटी को बढ़ा के चलेगा।
तो क्योंकि मंगल अपने साइड में आ चुका है, कोई नेगेटिविटी दोस्तों नहीं है। शनि जैसा प्लैनेट दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन को, लोहे को, मशीनरी को डिनोट करता है, मंगल कंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के दोस्तों दिन अच्छे आ जाएंगे। तो जो लोग भी दोस्तों बिल्डर हैं, रियल एस्टेट हैं, प्रॉपर्टी एजेंट हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे काम अच्छा, खासकर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर दोस्तों, इनका सीमेंट का काम है दोस्तों, ईंटों का, ईंटों का भट्टा है दोस्तों, उनके लिए काफी काम यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। जिनका सरिये का काम है दोस्तों, या जो दोस्तों जिनका भी घर बनाने में जो सामान यूज होता है उनका काम है, किचन का जिनका दोस्तों काम है, किचन मटेरियल का जिनका काम है दोस्तों, उनको फायदा मिलेगा। तो उसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी दोस्तों, होटल लाइन आग के साथ चलती है, कैटरिंग खाना दोस्तों आग के साथ चलता है, फार्मास्यूटिकल दोस्तों मंगल के साथ चलता है, मेडिकल दोस्तों मंगल के साथ चलता है, दोस्तों इंजीनियरिंग जो है दोस्तों मंगल के साथ चलती है। सबके दोस्तों यहाँ पे अच्छे दिन, इनका दोस्तों अच्छा काम, लॉयर दोस्तों यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, बिकॉज मंगल लॉ के साथ चलता है। तो जो लोग उसमें है पुलिस फोर्स के अंदर है, मिलिट्री में, आर्म फोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, उनके अपनी कुंडली मंगल स्ट्रॉन्ग है, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। डॉक्टर्स का दोस्तों यहाँ पे काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग देख के चलेंगे तो मंगल का जो ट्रांजिट होगा अपनी राशि के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या होगा, जिस बच्चे का जन्म होगा ना दोस्तों, उसके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। देखिए तो शनि अपनी राशि में होगा दोस्तों, मंगल अपनी राशि में होगा, और दोस्तों शुक्र भी अपनी राशि के अंदर है। तो ऐसे में कितना हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तीन तीन ग्रह अपनी राशि में होने वाले दोस्तों। चांस की बात है कि 14 तारीख को बुध मूव करके दोस्तों वो भी अपनी राशि में आ जाएगा, यानी कि 14 के बाद जिस बच्चे का भी जन्म होगा उसकी कुंडली में दोस्तों तीन ग्रह अपनी राशि में, जो बहुत बड़ा धन योग देखे चलते हैं। फिलहाल भी दोस्तों दो ग्रह अपनी राशि में, शनि और मंगल। ऐसे में दोस्तों जिस बच्चे का भी जन्म होगा 1 तारीख के बाद, 1 तारीख से, तो उसकी कुंडली में भी दो ग्रह अपनी राशि में होंगे, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखे चलते हैं, राजयोग देखे चलते हैं। दोस्तों ये था मंगल का लेखा जोखा। अब हम आते पॉइंट्स के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, इंडिया की कुंडली भी डिस्कस कर ली है, तो हम सीधा लग्न पे आते हैं। और 1 जून को चेंज है, 12 जुलाई तक चलेगा, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का चेंज है ये। तो मंगल हमारा आएगा एरीज में, अपनी ही राशि में आ रहा है, 1 नंबर में। इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा आज हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एरीज मेष लगन 1 नंबर, इनके लिए कैसा रहेगा? एरीज मेष दोस्तों अपनी राशि में मंगल का है ना दोस्तों, बहुत बड़ी खबर हो जाती है दोस्तों। तो जिनकी दोस्तों खासकर जब राशि का लॉर्ड राशि में आता है दोस्तों, तो क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है दोस्तों, ऐसे में क्या होगा कि आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाती है, आपकी एज में इंप्रूवमेंट आ जाती है, आपके रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आ जाती है दोस्तों। ऐसे में जिन लोगों को बहुत सारी चोटें लगती थी ना, उनको बड़ा फर्क पड़ेगा। अब तक क्या था कि मंगल था अपने साथ 12th हाउस में राहु के साथ था, तो ऐसे बॉडी में इन्फेक्शन बहुत था, ब्लड इन्फेक्शन बहुत था, ब्लड इंप्योरिटी बहुत जाती, एच बी दोस्तों, एच बी से ज्यादा दोस्तों आपको बीपी के बहुत इश्यूज थे, ब्लड प्रेशर को राहु था यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन चल रहा था, अनस्टेबल था दोस्तों बीपी। अब क्योंकि मंगल अपने साइड में आ जाएगा, कहीं ना कहीं बीपी के इश्यूज दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलेगी, मेंटल इश्यूज आपके थोड़ा सा डाउन होंगे, टेम्परामेंटल इश्यूज आपके डाउन होंगे, आपका काम बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि यही मंगल आपके 4th, 7th और 8th हाउस पे इंपैक्ट डालेगा। तो प्रॉपर्टी का योग बनते हैं, शादी का योग बनते हैं, एज में दोस्तों बढ़ोतरी होकर चलती है। तो कुल मिला के एरीज वालों के लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतर, और दोस्तों क्योंकि इनके सेकंड 12th हाउस में सूर्य भी है, बुध भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है, दोस्तों कहना ही क्या दोस्तों, जून से बड़ा महीना पूरे 2024 में शायद ही आपके लिए होगा, जब इतने बड़े बड़े कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनने वाले हैं। तो जून का महीना दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है दोस्तों। हमारी मासिक वीडियो भी आपने देखी होगी, मंथली वीडियो आपने हमारी देखी होगी, उसमें मैंने आपको समझाया था क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे मंगल की बात करेंगे तो ये दोस्तों वेल्थ वाला पार्ट और हेल्थ वाला पार्ट दोनों ही आपके फेवर में है, दोनों ही आपकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करके चल रहे हैं। चलिए एरीज मेष लगन का भी हो गया, अब हम आते हैं सेकंड नंबर, टॉरस वृषभ, इनके लिए कैसा रहेगा? शुक्र की पहली राशि। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर, टॉरस वृषभ, शुक्र की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? तो इनके लिए भी अच्छी खबर होगी, हालांकि दोस्तों मंगल इनका 12th हाउस में आया है, और दोस्तों 12th हाउस का मंगल हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करता है, चोट देने का काम करता है दोस्तों, कई बार तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाता है। बट तो क्योंकि यहाँ पे मंगल अपने साइन में है, यानी कि 12th हाउस में अपने साइन के अंदर दोस्तों, ये हमें देता है विपरीत राजयोग, यानी कि यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 7th का भी लॉर्ड है, यानी कि शादी, तो राजयोग मिलेगा, 7th हाउस भी एक्टिवेट होगा, 7th हाउस हो गया आपकी शादी का, शादी के यहाँ पे योग बन जाते हैं, तो 7th हाउस हो गया पार्टनरशिप का, तो शादी दोस्तों पार्टनरशिप ही होती है, तो वो एक शादी का योग बने।
बिजनेस पार्टनरशिप की बात करके देखें तो इन सब चीजें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, इन चीजों बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, क्या मंगल ट्वेल्थ हाउस में है, ट्वेल्थ का लॉर्ड अपने ही हाउस के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यात्राएं करवाता है दोस्तों, विदेश की यात्राएं बहुत करवाते हैं, खासकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और क्योंकि आपके सेल्फ हाउस में दोस्तों ये सभी के सभी ग्रह ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, इन सभी का इम्पैक्ट दोस्तों सेवंथ हाउस पर जा रहे हैं। मंगल का भी इम्पैक्ट दोस्तों आपके सेवंथ हाउस पर आ गया, शनि का भी इम्पैक्ट आपके सेवंथ हाउस पे, राहु का भी इम्पैक्ट आपके सेवंथ हाउस पे। अब दोस्तों देखिए कितना बड़ा योग बन गया, तो बुध सूर्य गुरु शुक्र दोस्तों चार ग्रह देख रहे हैं आपके वृश्चिक राशि को, तो शनि भी वृश्चिक ग्रह हो गया पांच, तो राहु भी वृश्चिक छह, दोस्तों मंगल भी वृश्चिक, तो सात ग्रह ऐसे हैं दोस्तों जो इसमें वृश्चिक राशि को देखेंगे, यानी कि वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए बहुत बड़ा टाइम, बहुत उथल पुथल वाला टाइम, बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव टाइम जो हम बात करें। तो दोस्तों बहुत कम होता है कि सात ग्रह एक साथ वृश्चिक राशि को देखें, किसी की राशि को देखें। तो दोस्तों यहाँ पे शादी का जो पार्टनरशिप का जो काफी ज्यादा बनते हुए ये बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है दोस्तों आपके। चलिए मई का इनका भी हो गया, टॉरस वृषभ का हम आते थर्ड नंबर, जेमिनाई मिथुन बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों जेमिनाई की बात करें मिथुन, मिथुन की बात करें बुध, दोस्तों अब बुध हमने पिछली वीडियो में दोस्तों बात की थी जून की वीडियो में और बुध की वीडियो में, किस तरह बुध दोस्तों ट्वेल्थ हाउस में आके उनको नेगेटिविटी से बचाता हुआ चल रहा है। हालांकि दोस्तों ट्वेल्थ हाउस में जब कोई ग्रह आता है आपके सेल्फ अलॉट तो नेगेटिव हो जाते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों बुध ने अच्छा रोल प्ले किया, हमने समझाया था क्यों। अब दोस्तों देखिए मंगल आपका आगे इलेवेंथ हाउस के अंदर, दोस्तों मंगल इलेवेंथ का ही लॉर्ड है, एकादश भाव जिसे कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं इनकम का लॉर्ड, इनकम का भाव, गेन्स प्रॉफिट दोस्तों, आप मान के लिए आपके प्रोफेशनल वेल्थ का भाव दोस्तों, इसको बहुत सुंदर भाव कहा जाता है। तो ये और दोस्तों यहाँ पे मंगल मिथुन में होता है सिक्स का लॉर्ड जो कि नेगेटिव होता है, दोस्तों सिक्स का लॉर्ड अपनी राशि में, इलेवेंथ का लॉर्ड अपनी राशि के अंदर दोस्तों देखा हमें विपरीत राजयोग, बिकॉज नेगेटिव इन नेगेटिव गिव्स यू विपरीत राजयोग, दोस्तों यहाँ से यानी कि इनकम वाला पार्ट एक्टिवेट हुआ और दोस्तों सिक्स होता है डेट्स का, डेट्स नीचे गए, कर्जे नीचे गए, दुश्मन शांत हुए दोस्तों, और कहीं ना कहीं आपकी दोस्तों जीत होती है दुश्मन में, दोस्तों निश्चित हो जाते हैं यहाँ पे, हेल्थ में दोस्तों बेटरमेंट आ जाती है, या खासकर वो सभी गर्ल्स दोस्तों इनको हार्मोनल इंबैलेंस है, या जो सभी लेडीज जो प्रेगनेंसी से चल रही है जिनके डिलीवरी को टाइम बचा है, तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। तो स्पेशली यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं इनकम को लेकर, यहाँ पे हमें नए नए सोर्सेज मिलेंगे इनकम को लेकर, बेनिफिट हो जाते हैं। और दोस्तों क्योंकि मंगल यहाँ पे इनकम का लॉर्ड है, प्रॉफिट्स का लॉर्ड है, उसका दोस्तों इंपैक्ट आपके फिफ्थ हाउस पे स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट से इनकम तो दोस्तों वहां से गेन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप रियल एस्टेट के दोस्तों कोई लेना चाहते हैं शेयर, या फार्मा में जाना चाहते हैं, मेडिकल के शेयर लेना चाहते हैं, फार्मा के शेयर लेना चाहते हैं, होटल के, होटल इंडस्ट्री के शेयर लेना चाहते हैं, लेमन ट्री हो गया दोस्तों, ये दोस्तों जिस तरह सन फार्मा हो गया, या अगर हम लोग बात करके देखें एनबीसीसी के शेयर हो गए रियल एस्टेट के, तो अपने को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो अपने अपने फाइनेंशियल पर्सन से बात करें तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि उसे यही मंगल अपने ही सेक्स हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा, जैसा कि मैंने बताया कि दुश्मनों को शांत करेगा, डेट्स में कमी आएगी और बेटरमेंट होगी, तो मिथुन वालों के लिए भी दोस्तों चीजें बहुत ज्यादा सुंदर। और दोस्तों जिस दिन आपका बुध अपने ही साइन में आ जाएगा 14 जून को, तो उस दिन दोस्तों कहना है क्या, यानी कि जून का महीना दोस्तों आपके लिए भी काफी अच्छी खबरें लेके आ रहे हैं। चलिए जेमिनाई का भी हो गया, मिथुन का हम आते हैं फोर नंबर, कैंसर कर्क चंद्रमा की राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों कैंसर यानी कि कर्क यानी बुध चंद्रमा की राशि दोस्तों कर्क के अंदर दोस्तों मैंने आपको एक बात हमेशा की, हमारे प्रधानमंत्री जी थे इंदिरा गांधी, या उससे पहले दोस्तों नेहरू जी थे, उनका कर्क लगन था। तो कर्क लगन के अंदर मंगल का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज्यादा मस्त है, बिकॉज मंगल सबसे स्ट्रॉन्ग दोस्तों बनकर चलता है। और इंसिडेंटली उन दोनों के ही हॉरोस्कोप के अंदर, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो चाहे नेहरू जी हो, उनमें दोस्तों मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, दोनों ने बहुत टाइम तक राज भी किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मंगल बनता है सत्ता का लॉर्ड। तो दोस्तों अब क्या हो गया, कर्क लगन के अंदर सत्ता का लॉर्ड यानी कि मंगल अपने ही साइन में लैंड करेगा, यानी कि आपकी सत्ता वाली पावर को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों टेंथ हाउस का मंगल आपके सेल्फ हाउस पे इम्पैक्ट डाल के आपके सेल्फ के अंदर दोस्तों बहुत बढ़ोतरी कर देगा। फोर्थ हाउस पे उसका इम्पैक्ट जाएगा आपको, आपको कहने के जमीन जायदाद का सुख, आपका घर बन जाएगा दोस्तों। और फिफ्थ हाउस पे इम्पैक्ट जाएगा आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, बच्चों के लिए यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, बच्चों की जॉब के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी खुद की एजुकेशन के लिए यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा और स्टॉक मार्केट से बेनिफिट आ जाएगा। तो दोस्तों कर्क लगन वालों के लिए इससे बड़ा दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता। और दोस्तों स्पेशली तब जब आपके इनकम हाउस के अंदर में ऑलरेडी चार चार प्लैनेट इतने अच्छे तरीके से बैठे हो, तो बहुत सुंदर दोस्तों इस समय टाइम चल रहा है। आपके फिफ्थ हाउस पे यानी कि वृश्चिक राशि यहाँ पे दोस्तों आप आठ सात सात प्लैनेट का दोस्तों इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट से बेनिफिट और आपकी इनकम को दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अलग अलग सोर्सेज बनाते चलते हैं। तो कर्क लगन के लिए दोस्तों जैसे मैंने इनके लिए बताया था कि इनके लिए दोस्तों टॉरस के लिए या एरिस के लिए, दोस्तों कर्क लगन के लिए भी जून का महीना बहुत ही ज्यादा बड़ा, इनफैक्ट इन चारों में दोस्तों अब तक कैंसर वालों के लिए सबसे बड़ा दोस्तों महीना साबित होने वाला है। दोस्तों अभी सिंह की बात करेंगे तो बताऊंगा उनके लिए कितना बड़ा होगा, बट
कैंसर है दोस्तों, अपना घर मकान जमीन जायदाद जो परचेज करना है दोस्तों यहाँ पे परचेज करेंगे हम लोग, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने करेंगे, और हेल्थ के लिए कोई ट्रीटमेंट ड्यू था आपका ट्रीटमेंट करें, बेनिफिट देखा जाएगा। चलिए फोन नंबर कैंसर कर का भी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक ना किया और जल्दी से कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ नंबर लियो सिंह, आखिरी के दो लगना रह गए दोस्तों। लियो की बात करें दोस्तों, इसके अंदर भी हम देखेंगे सूर्य की राशि दोस्तों, सूर्य का लगन दोस्तों, सूर्य और मंगल दोस्तों परम मित्र, दोनों ही गर्म प्लैनेट, दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट दोस्तों, दोनों ही बलशाली प्लैनेट, यानी कि दोस्तों सिंह लगन में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हमें समझ में आ जाता है। अब देखते हैं मंगल के जो लॉर्डशिप है दोस्तों, वो है यहाँ पे नाइन्थ हाउस के लॉर्डशिप, यानी कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग हाउस है दोस्तों हमारी एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप में, वो है दोस्तों नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस के दोस्तों उसको मिल गया लॉर्डशिप, और वो अपने ही नाइन्थ हाउस में जब लैंड कर जाएगा दोस्तों, तो कहने क्या दोस्तों, भाग्य आपका आसमान छूता है, किस्मत आपकी आसमान छूती है दोस्तों। मंगल फायरी प्लैनेट दोस्तों, नाइन्थ हाउस को हम लोग कहते हैं त्रिकोण, आग्नेय फायरी कॉर्नर दोस्तों, फायर यानी कि पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों बहुत ज्यादा। नाइन्थ हाउस विदेश को डिनोट करता है दोस्तों, विदेश की स्टडीज को डिनोट करता है, तो वो सभी बच्चों नीट करना चाह रहे थे, बाहर जाना चाह रहे थे, अपने शहर से बाहर जाना चाह रहे थे, अपने देश से बाहर जाके मेडिकल करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, एमडी करना चाह रहे थे, बीडीएस करना चाह रहे थे, उनके लिए भी दोस्तों बहुत बड़ी खबर। इंजीनियरिंग की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज मंगल इंजीनियरिंग को भी डिनोट करते चलता है, इट्स अ बिग बिग थिंग। हाँ, इतना ध्यान में देना कि शनि आपके सेवंथ हाउस में है, उसका इम्पैक्ट आपके नाइन्थ हाउस पर जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी लोअर बैक थोड़ा परेशान कर सकते हैं, आपको उस समय थोड़ा बच के चलना है। तो ओवरऑल देखें तो दोस्तों, काम के लिए, पैसों के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, तो दोस्तों नाइन्थ का मंगल थर्ड हाउस पे आपके दोस्तों की जो संख्या उसको बढ़ाता है, आपके सोशलाइजिंग को बढ़ा के चलते हैं, इट्स अ बिग बिग वेरी बिग चेंज दोस्तों, इससे बड़ा चेंज नहीं हो सकता आपके लिए। अगर हम इन पांचों की बात करें दोस्तों, फिर कहूंगा दोस्तों लियो और कैंसर, इनको दोस्तों बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है जून के अंदर, बहुत ही बड़ी सौगात मिलने वाली है, इससे बड़ा दोस्तों नहीं होता कुछ ना हुआ। तो अपने आपकी कमर कसें, काम को बढ़ाएं, किस्मत आपके साथ, बुलंदी के साथ खड़ी है, आगे बढ़े बस। चलिए लियो सिंह के लिए अब अच्छा बताते हैं, बता रहे हैं, अब हम आते हैं लास्ट लगना आज का, सिक्स नंबर वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों वर्गो में जो मंगल होता है कोई ज्यादा खास अच्छा काम नहीं करता दोस्तों, थर्ड एज, एट्थ एज दोनों से एज को डिनोट करते हैं, एट्थ का एज दोस्तों थर्ड बंदे से दोस्तों एज को डिनोट करते हैं, एज का लॉर्ड एज हाउस में दोस्तों एज को बढ़ा के चलते हैं, माने कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली अपने को हेल्थ की इंप्रूवमेंट ज्यादा मिलेगी, वेल्थ दोस्तों ज्यादा इसको लेना देना नहीं होता, हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलेगी। हाँ, ये अच्छी बात है दोस्तों, वन टू थ्री दोस्तों इसका इंपैक्ट जाएगा इलेवंथ हाउस पे, इनकम हाउस पे दोस्तों, थर्ड का लॉर्ड गेंस हाउस पर जब डालता है या इनकम पे इफेक्ट डालते हैं, तो थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से या अपनी सोशलाइजिंग की वजह से, अपनी नेटवर्किंग की वजह से आपको काम मिल जाता है, काम बढ़ता है, जॉब लग जाती है आपकी, तो थोड़ा सा आपकी गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन दोस्तों कोई बम नहीं फटता जैसे दोस्तों यहाँ पे कैंसर में फटा या लियो में फटा, तो ये दोनों नहीं होते। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा नीचे आते हैं, बिकॉज मंगल कॉन्फिडेंस जब आपके सेकंड हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है दोस्तों। एट्थ हाउस का मंगल आपका थर्ड हाउस में इम्पैक्ट डालेगा दोस्तों अपनी ही राशि पे, तो दोस्तों बाहुबल बढ़ जाते हैं दोस्तों, ऐसे में क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके फ्रेंड सर्कल से अपने को बेनिफिट मिलता है, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, तो जिनका तो काम ही सारा ट्रैवलिंग का है उनका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे जो छोटे जो बिल्कुल वो है छोटे से लेकर बड़ा काम करते हैं ट्रैवलिंग वाला, चाहे वो जोमेटो का काम हो, स्विगी का काम हो दोस्तों, जो बाइक से घूमते हैं, या टॉप लेवल का दोस्तों इनका मैनेजमेंट का काम हो, इनका भी ट्रैवलिंग की चलती रहती है एक नेशन दूसरे नेशन, उन सबको यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सबको यहाँ पे फर्क पड़ेगा, आपका चाहे छोटा सा काम है, आपका चाहे बड़ा सा काम है, ट्रैवलिंग आपकी बढ़ेगी यहाँ पे। बट ओवरऑल हम लोग देख के चले दोस्तों, इसमें पैसे से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। इतना अच्छा हो सकता है कि एट का लॉर्ड दोस्तों जब एट्थ हाउस में आता है ना, तो बेसिकली वो सब लोग अकल्ट के फील्ड के अंदर है, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड है, उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, उनको यहाँ पे मेंटली रिलीफ आ जाता है, और खासकर वो सभी लोग जो मेडिटेशन में है, योगा में, हीलर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज एट्थ हाउस दोस्तों आपकी इनर एनर्जी को डिनोट करता है, एट्थ हाउस आपकी इंटरनल पावर को डिनोट करके उसने आपको राहत देता है, शांति देता है। और दोस्तों पैसे के लिए अभी थोड़ा सा हमें चेंज को वेट करनी पड़ेगी। हाँ, जिस दिन दोस्तों बुध मूव कर गया, हालांकि बुध आपका नाइन्थ हाउस में आ चुका है, वो वैसे दोस्तों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टाइम आ गया आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का, आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ। आज जी चलिए अब हम बात छह लगना डिस्कस हो गए आज के, कि कैसा रहेगा इनके लिए मंगल का चेंज होना, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और हमेशा की तरह हम रेमेडीज अपनी सेकंड वीडियो में पार्ट टू में बताएंगे, और छह लगना भी उसी में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो पर, पार्ट टू वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।